हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 4 को एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ शॉर्ट समरी ऑफ लेसन 4, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। लेसन के जो टॉपिक है उसका मतलब है कि जो पेड़ है वो कभी भी देना बंद नहीं करता है। तो चलिए इसकी एक शॉर्ट स्टोरी हम लोग देख लेते हैं। तो इस स्टोरी में जो ट्री है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो स्टोरी है वो एक बॉय जो विलेज में रहता है उसके बारे में बताया है, और एक ट्री के बारे में उनका कैसा रिलेशन था उसके बारे में बताया गया है। तो जो एक लड़का था जो बहुत ही शरारती था, वो एक गांव में रहता था, और वो जो उसके घर के पास एक मैंगो का जो ट्री होता था वहाँ उस ट्री के पास जाके हमेशा खेला करता था। कभी उसकी ब्रांचेस में चढ़ता, कभी उससे फल तोड़कर खाता, कभी उसके आजू बाजू गोल घूमता। इस तरीके से वो अपना दिन का जो मोस्टली टाइम होता है वो उस पेड़ के साथ बिताया करता था। जो पेड़ होता है उसे भी वो जो लड़का होता है उसके वहाँ पर आने से खुशी होती है, उसे भी उसका दोस्ती पसंद आ जाता है। धीरे धीरे जो लड़का है वो वहाँ पर आने लगता है, हमेशा आता है, और एक कभी कभी वो जो उसकी पत्तियाँ होती थी उसका एक क्राउन बना लेता था और उसे अपने सिर पर लगा के कहा करता था कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जो लड़का है वो अब एक आदमी बन जाता है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। पर जो पेड़ है उसके लिए वो जो लड़का है जो अब बड़ा हो गया है वो आज भी एक लड़का, छोटा बच्चा ही है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है और वो पेड़ के पास आना कम कर देता है, बहुत ही कम वहाँ पे वो पेड़ के पास आता है। धीरे धीरे आगे स्टोरी बढ़ती, ऐसे करते बहुत दिन हो जाते हैं और जो लड़का है वो बिल्कुल भी पेड़ के पास आना बंद कर देता है। और जो पेड़ है उसे बहुत ही इच्छा होती है कि वो लड़का जो छोटा बच्चा था वो आए और उसके पास आसपास खेले, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका होता है। बहुत दिनों के बाद वो लड़का पेड़ के पास आता है और वो बहुत ही उदास नज़र आता है, पर जब पेड़ ने उसे देख उस लड़के को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम उदास क्यों हो। तो जो लड़का है वो कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पेड़ बिल्कुल भी सोचे बिना, एक सेकेंड भी लिए बिना कहता है, तुम जितना चाहो मेरे पेड़ से आम तोड़ सकते हो, मेरे जो आम हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट क्वालिटी के हैं, तुम इसे ले जाकर बेचोगे और तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही लड़का ये बात सुनता है वो खुश हो जाता है और बिना टाइम लगाए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आम वो तोड़ सकता है उस पेड़ से तोड़ लेता है। फिर वो लड़का जो आम को तोड़ता है उसे ले जाता है मार्केट में, और उसे बेचने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और उसके सारे आम तुरंत बिक जाते हैं, एक भी आम नहीं बचता है। और उसके बाद उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और वो शादी कर लेता है। कुछ समय के बाद वो लड़का फिर से पेड़ के पास आता है और बोलता है कि मुझे आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी अ हाउस। मतलब फिर से उससे हेल्प मांगता है पेड़ से कि मुझे एक घर की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। अब फिर जो पेड़ होता है वो क्योंकि उससे बहुत ही प्रेम करता है, उसे बहुत ही पसंद करता है, और ऐसे भी पेड़ हमें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, वे हमेशा हमें देते ही हैं। तो जो पेड़ होता है आम का वो कहता है कि तुम मेरे ब्रांचेस को काट लो, और मेरे ब्रांचेस बहुत स्ट्रांग हैं, इनसे तुम घर और फर्नीचर बना सकते हो। जैसा ही ये जो पेड़ होता है वो ये बोलता है, लड़का खुश हो जाता है और वहाँ से जो उसकी ब्रांचेस होती हैं पेड़ की उन्हें काट लेता है और उन्हें ले जाता है और क्या बना लेता है, अपने लिए उसके ब्रांचेस से घर बना लेता है। पर अब घर बनने के बाद जो पेड़ है, जो लड़का है, वो अपने घर में और अपने ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है, और जो पेड़ है वो बहुत ही अकेला महसूस करने लगता है, और जो लड़का है जो अब आदमी बन चुका है उसे बहुत ही मिस करता है, जो हमारा मैंगो का
इसके बाद कई साल बीत जाते हैं, पर वो जो लड़का है वो फिर लौट के पेड़ के पास नहीं आता है, और जो पेड़ है वो बहुत ही अकेला फील करता है, और अब पेड़ भी काफ़ी ओल्ड हो चुका रहता है। जो लड़का है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और एक आदमी बन चुका होता है, क्योंकि समय के साथ वो भी बड़ा होते रहता है। अचानक से एक दिन वो लड़का फिर से पेड़ के पास आता है और कहता है कि मुझे एक बोट चाहिए, मैं इस वर्ल्ड में कई जगह घूमना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड की कई जगह को देखना चाहता हूँ। जैसा ही वो लड़का ये बात कहता है, पेड़ तुरंत उसे कहता है कि तुम मेरे जो पेड़ के ट्रंक है, जो तना है, उसे ले सकते हो और इससे तुम एक बोट बना सकते हो। जैसे ही जो पेड़ है ये कहता है, वो लड़का बिना कुछ सोचे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका तना काट लेता है पेड़ का और उससे एक बोट बना लेता है और जो अपना वर्ल्ड टूर है उसमें निकल जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे पेड़ के साथ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समय बीतते जाता है और फाइनली जो बॉय है वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका होता है। वो बूढ़ा हो जाता है और बहुत ही थका हुआ इंसान एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, और वो सोचता है कि मैं बहुत ही अकेला फील करता है और सोचता है कि मेरा जो ट्री है, जो मेरा फ्रेंड है, वही मेरा सच्चा दोस्त है, और वो उसके पास जाता है। जैसे ही वो पेड़ उसे देखता है वो कहता है, कम बॉय, कौन कहता है, जो ट्री है वो कहता है, और उससे कहता है उस लड़के से कि तुम जो मेरे पेड़ की जो बची हुई थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी जैसी जो बची हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे तुम बैठ सकते हो, क्योंकि उसका तना जो होता है वो पहले ही काट चुका होता है। तो तना काटने के बाद, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, जो थोड़ी सी लकड़ी पेड़ के ऊपर बच चुकी होती है वही बच चुकी रहती है बस। तो जो पेड़ होता है वो कहता है कि तुम आके मेरे इस जो थोड़ी लकड़ी बची है उसमें बैठ सकते हो, तुम्हें यहाँ बैठ के आराम मिलेगा और हम दोनों एक साथ बैठेंगे थोड़ी देर, तो हम दोनों को खुशी मिलेगी एक साथ रह के। जो लड़का होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ पे जो पेड़ होता है उसमें बैठ जाता है, और जो धूप आ रही होती है उसकी थोड़ी सी जो गर्मी होती है उसे वहाँ पे ट्री के पास बैठ के वो लेता है। एंड द ट्री वॉज हैप्पी। जब वो लड़का वहाँ पे बैठता है तो जो ट्री होता है उसे वो जो बचपन होता है उस लड़के का, जब वो हमेशा आके वहाँ खेला करता था, वहाँ अपना समय बिताया करता था, वो दिन याद आ जाते हैं और जो ट्री है वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ट्री है वो बचपन से लेके उस लड़के के बुढ़े होने तक उसकी मदद करता है और उसे अपना सारा लकड़ी, फल, फूल सब कुछ दे देता है। इसलिए इस स्टोरी का नाम रखा गया है, ट्री नेवर स्टॉप्ड गिविंग। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।